नहीं, चेम्बर बैकफुट पर नहीं है, चेम्बर की बातों को उन्होंने मान लिया है और 0% पर ही बातें हुई हैं। बस सरकार को कहीं वैधानिक दिक्कत है उस बात को बोलने में, वो ये बात भी धीरे धीरे खुलेगी। सरकार ने इस पर हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया है कि ये जो भी चीजें होंगी आप सबके सामने बैठ के हम लोग मिल के हम लोग निर्णय लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई प्रतिशत का बात हुआ है, 0%। और विधेयक जो वहां से जो नोटिफिकेशन आए हैं केंद्र सरकार से, उसको लागू करने में जो भी सहयोग होगा वो चेंबर से वो सहयोग लिया जाएगा, साथ में अधिकारी लोग बैठेंगे और हम लोग उस पर बात करेंगे। कोई मुलाकात, कोई एमओयू, कुछ ऐसा कुछ डील हुआ, कुछ तय हुआ? मुलाकात एमओयू का कहीं पर कोई बात नहीं था, डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग जा करके बात किए हैं। और उसमें ये भी बातें हुई है कृषि मंत्री के तरफ से कि हम आपको एक ठो लिखित भी कल परसों आपको दे देंगे, ऑफिस खुलेगा तो एक ठो लिखित आपको हम कागज भी दे देंगे कि हम आपके साथ बैठ करके हर समय वार्ता करेंगे। व्यापारी और चेंबर अब फिर से मतलब अपने काम की तरफ फिर रहे हैं। हाँ, व्यापारी चेंबर हमको, हम लोग का कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के सचिव के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित करने का हमने निर्णय लिया है और सरकार पर भरोसा जताया है और सब लोग अपने अपने काम करेंगे, लेकिन हमारा आंदोलन स्थगित है, खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, आश्वासन दिया आश्वासन है। आश्वासन की तरह हम भी काम कर रहे हैं, हम भी सरकार के साथ में जुड़े हुए हैं, हम भी राज्य का विकास चाहते हैं, हम भी अपने किसान का, अपने व्यापारियों का, सबका हितों का रक्षा करना चाहते हैं और हमारे कंज्यूमर जो उपभोक्ता हैं हम उनके भी हितों को ध्यान में रखते हैं। इसलिए हमने ये स्थगित का भावना लाया है। पर्व त्योहार है, शादी ब्याह है, तो इस सरकार की जो ये बातें आई उसको हम लोगों ने समर्थन किया है और आगे आगे सरकार पीछे पीछे हम एक दूसरे आमने सामने हैं, देखेंगे आगे का अगर कोई बात में अभी फर्क अभी वर्तमान में होगा कुछ तो। समितियां हैं इससे सरकार अगर मुकरती है तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ ये नहीं स्थगित होगा, कर रहे हैं सर, ये दुर्भाग्य कहीं इससे ज्यादा नहीं होगा। कैंसिल और नहीं कर रहे हैं। सरकार ने इस बात के लिए, मैं समझता हूँ कि ऐसा हम लोग के साथ जो बात वार्ता हुई है उसमें कई लोग थे, सीरियल से लोग थे जो उसको वार्ता कराने में और अपनी बातों को रखने में, जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग, पदाधिकारी, मंत्री, हर तबके के लोग, विधायक, सब वहां उपस्थित थे और सबकी देखरेख में हुआ है। ठीक है, हम लोग ने अंदर में बात की है लेकिन बाहर सारे लोग उपस्थित थे और सब बातचीत बढ़िया से हुई है और चेंबर इससे आश्वस्त है कि हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। हम विश्वास करते हैं सरकार पर, पूरा भरोसा, व्यापार हित की अनदेखी नहीं करेगी, यही हमारा मानना है और यही हमारा कहना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।